आ गई भाई, आ गई यहाँ पर डंकी मूवी की टीजर अपडेट्स, यानी कि टीजर रिलीज अपडेट सब कुछ आ गई है, वो भी जेन्युइन और रियल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डंकी मूवी की टीजर ट्रेलर कब क्या रिलीज होते हुए दिख रहे हैं, प्लस यहाँ पर हम लोग ये भी बात करेंगे कि डंकी के जो मेकर्स हैं ने क्या कुछ प्लान रखा है, मतलब टीजर कब लाना है, ट्रेलर कब लाना है, प्लस हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि क्या सॉन्ग्स मूवी के आते दिखेंगे, ठीक है। और एक मेन चीज़, एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे कि डंकी की फाइनल रिलीज डेट क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को लग रही है 21 तारीख, कुछ लोगों को लग रही है 22 तारीख। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या है ये 21-22 का खेल, सब कुछ बताऊंगा। बस ये वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना, वीडियो को अभी से कर दो लाइक, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ कर दो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा देना। बिना टाइम का आज की इस अमेजिंग सी वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि अभी चल रहा है भैया दशहरा दिवाली, यानी कि कल थी अपनी दशहरा, अभी दिवाली का पूरा मौसम है, यानी कि दिवाली फेस्टिव का पूरा समय चल रहा है। तो अगर आपको कुछ भी एसेसरीज, जैसे कि आपको माइक हो गया, माइक्रोफोन हो गया, आपको कॉलर माइक से मोबाइल टैबलेट जो जो आपको चाहिए, ग्रीन स्क्रीन सब कुछ, ऐसा आर्टिस्ट, अगर आपको कम प्राइस में परचेज करना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप परचेज कर सकते हो। लिंक पर बस क्लिक करना और आप परचेज करो कम प्राइस पर, मजे करो घर बैठे बैठे, ठीक है। और ये सब कुछ आपको अमेजोन पर मिल जाएगा, तो बस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाना क्लिक करना और परचेज करना, मजे करना, ठीक है। तो बिना टाइम आज की अमेजिंग सी वीडियो करते स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए डंकी मूवी क्या होने वाली, डंकी मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अपने राजकुमार हिरानी जी, शाहरुख खान इस मूवी में देखने वाले हैं, और तापसी पन्नू, बोमन ईरानी और भी बड़े बड़े टैलेंटेड स्टार कास्ट हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। हमें इस मूवी में विकी कौशल और संजय दत्त जैसे एक्टर भी देखने को मिल सकते हैं, ऐसा भी हमें अपडेट्स आई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि क्या कुछ यहाँ पर 21-22 तारीख का खेल चल रहा है, यानी कि इसका एक पोस्टर आया था ऑफिशियली जिसमें लिखा रहता है कि 21 दिसंबर को यहाँ पर मूवी डंकी रिलीज हो रही है, और फिर गूगल में आप जाएंगे या फिर दूसरी जगह दिखाया जा रहा है 22 दिसंबर। तो क्या ये चल रहा है 21-22 का खेल, मैं आपको बता दूं डंकी मूवी की जो रिलीज डेट है इंटरनेशनल मार्केट में, यानी कि ओवरसीज, UAE, US, बाहर के सभी देश है ना, फॉरेन कंट्रीज, वहां पर डंकी मूवी को रिलीज करने वाले हैं इनके जो मेकर्स हैं। डंकी मूवी की रिलीज डेट है 21 दिसंबर 2023, यानी कि बाहर के सभी देशों में, फॉरेन कंट्रीज में, यहां पर डंकी मूवी 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, और वहीं पर इंडिया यानी कि अपने देश भारत में, हिंदुस्तान में ये मूवी यानी कि डंकी मूवी 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। तो ये चीज है, क्या ना, इसके पीछे बहुत सारे लोग को लग रहा है कि 21 को होगा, 22 को होगा, क्या कुछ होगा, मैं आपको बता दूं एक दिन पहले यहां पर ओवरसीज मार्केट में रिलीज किया जाएगा, यानी कि बाहर के देश में, फॉरेन कंट्रीज में एक दिन पहले होगी 21 को रिलीज, और 22 को यहां पर इंडिया में, यानी कि अपने भारत देश में रिलीज होने वाली है डंकी मूवी, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं अगले टॉपिक की, क्या कुछ यहां पर मूवी का टीजर ट्रेलर दिखने वाला है, मैं आपको कंटिन्यूसली बताता हूं क्या कुछ यहां पर अपडेट आई है। तो आपको बता दूं जो अभी अपडेट्स आई है वो ये है भैया कि डंकी मूवी का टीजर, जी हाँ, डंकी मूवी का टीजर जो हमें देखने को मिलने वाला है, वो देखने को मिलने वाला है 2 नवंबर को, जी हाँ, द किंग पठान, अपने जो शाहरुख खान है, जी हाँ, SR के बादशाह किंग खान जो है, उनके बर्थडे यानी कि उनके जन्मदिन के दिन 2 नवंबर को यहाँ पर हमें मूवी डंकी का टीजर रिलीज होते हुए दिखने वाला है, यानी कि हमें डंकी का टीजर 2 नवंबर को आते हुए दिखेगा। वहीं पर तो दूसरी अपडेट आई है, वो ये बता रही कि जो इस मूवी का ट्रेलर है, जो हमारा इस मूवी का ट्रेलर है, ये हमें 7 में देखने मिलेगा दिसंबर में ही, यानी कि दिसंबर में यहाँ पर मूवी डंकी का ट्रेलर, फाइनल ट्रेलर रिलीज होगा। अब एग्जैक्ट डेट तो हम नहीं बता सकते, बट इतना है कि फर्स्ट से सेकेंड वीक के बीच में, मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में मे बी पॉसिबल कि हमें यहाँ पर डंकी मूवी का ट्रेलर देखने को मिले। हालांकि इट्स नॉट टोटली कन्फर्म्ड, हालांकि जो टीजर वाली बात है वो कन्फर्म्ड है कि भैया 2 नवंबर को यहाँ पर हमें मूवी डंकी का टीजर आते हुए दिख रहा है, ये अभी अपडेट्स आ चुकी है, लेकिन ट्रेलर का एग्जैक्ट रिलीज डेट नहीं बता सकते हम लोग, लेकिन इतना बोल सकता हूँ मैं कन्फर्म जो मुझे लग रहा है और होनी भी चाहिए, और अपडेट्स भी आ रही है कि यहाँ पर डंकी मूवी का फाइनल ट्रेलर हमें दिसंबर के महीने में देखने को मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड वीक में कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। फाइनल एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता सकता क्योंकि फाइनल अभी बता ही नहीं चला, तो कहाँ से बताऊँ आपको, फेक चीज़ें नहीं बताते हम लोग, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपडेट आई है। वहीं पर अगर बात करें सॉन्ग्स क्या हमें रिलीज होते हुए दिखेंगे, तो भैया सॉन्ग की जो अपडेट आ रही है डंकी मूवी को ये है कि डंकी मूवी के कुछ 2 से 3 अच्छे, मतलब देखो सॉन्ग्स तो सभी अच्छे होने वाले हैं भैया, ठीक है, और यहाँ पर कुछ 2 स्पेशल सॉन्ग्स होने वाले हैं। तो इट्स मे बी पॉसिबल कि मूवी के रिलीज के पहले हमें देखने को मिल जाए, बट देयर आर वेरी लेस चांसेस भैया, कम चांसेस है कि हमें ज़्यादा सॉन्ग्स देखने को मिले रिलीज के पहले, क्योंकि डंकी मूवी का जो मेन जो पर्सपेक्टिव है रिलीज होने का वो ये है भैया कि इस मूवी में हमें इमोशंस, ड्रामा, कॉमेडी सब कुछ अच्छे से मिलने वाला है, लेकिन जिस मूवी में सॉन्ग रहेंगे वो एकदम ज़्यादा तड़कते भड़कते टाइप के नहीं रहेंगे, जैसा हमें जवान में, पठान में देखने को मिला वैसे सॉन्ग नहीं रहेंगे, तो थोड़े से रोमांटिक सॉन्ग्स होंगे, जैसे ड्रामेटिक मूवी में सॉन्ग होते हैं वैसे होंगे। अब एग्जैक्टली वो कैसे क्या होंगे उसके बारे में हमें भी नहीं पता है, तो सॉन्ग्स रिलीज की देखने रिलीज के पहले सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे, बट वो कितने मिलेंगे, देखो पर्सनली मुझे लगता है 1 से 2 मिलेंगे, उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है, इतने मिलने चाहिए, बट बाकी सॉन्ग्स का भी आइडिया हमें अपडेट्स ऑफिशियली नहीं आए, तो मैं आपको
बोलूंगा कि सॉन्ग्स एक से दो मिलने चाहिए, बाकी अब वो मेकर्स के ऊपर है, वो मेकर्स जानते हैं कि क्या कुछ उन्हें करना है। वी डोंट नो, ओके, वी डोंट नो द एक्चुअल प्लान कि उन लोग क्या यहाँ पर प्लानिंग करके बैठे हैं। तो बस मैं तो बस ये बोलूँगा अपनी कुर्सी की बेटी मान लो, क्योंकि डंकी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिल्म होने वाली है। बहुत सारी इसकी प्लानिंग चल रही, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर प्रेडिक्शंस दी है। मैं खुद बहुत ही ज़्यादा वाला एक्साइटेड हूँ उस मूवी को देखने के लिए। सलार से पहले मैं डंकी देखना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज राजकुमार हिरानी एज अ डायरेक्टर, शाहरुख खान एज एन एक्टर, मतलब भाई ये केमिस्ट्री क्या ही चीज़ है, क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है, बहुत ही प्यारी चीज़ होने वाली। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में आप कितने एक्साइटेड है, क्या है। टिल देन मिलते मेरे नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दिया करो कि आज जाता है तुम्हारा। टिल देन मिलते मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।